डिटेक्टिव टीचर। बजरंगी यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें येलो फ्रॉग्स दिखाने के लिए। अरे अंकुश, तुम लगी तो नहीं? सॉरी हाँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस रंगा ने मुझे जानबूझ के गिराया। मैंने देखा यहाँ पर क्या हुआ। तुम अपने आप गिर गए और अब इल्जाम रंगा पर लगा रहे हो। आप कौन हो? मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ, सब्स्टिट्यूट। तुम्हारे पुराने टीचर को फ्लू हो गया है। तुम अंकुश हो ना? हाँ सर। तुम तीनों अपनी क्लास में जाओ। और अंकुश तुम रुको। तुम्हारे बैड बिहेवियर के बारे में बहुत सुना है मैंने, इसलिए पनिशमेंट की लंबी लिस्ट बना के लाया हूँ मैं। मेरी नजर होगी तुम पे, समझे? बच्चों, आज हम पोएट्री पढ़ेंगे। कितना अच्छा होगा कि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान में यहाँ वहाँ मंडराऊं। कितना अच्छा होगा कि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान में यहाँ वहाँ मंडराऊं। अंकुश, ये क्या बदतमीजी है? सर, वो रंगा ने। तुमने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया, रंगा ने वो आवाज की। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम अपनी बुक में 100 बार लिखोगे कि मैं रंगा को नहीं सताऊंगा। क्या? हाँ अंकुश, ये तो गलत है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ गुड, चलो लिखना शुरू करो। सर मैं तो। क्या? चलो शुरू करो। नीले नीले आसमां में यहाँ वहाँ मंडरा हूँ। कितना अच्छा होगा कि मैं बादल बन जाऊँ। तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। सर ये मैंने नहीं, रंगा ने किया है। तुम बहुत लेजी हो गए हो, तुम्हें एक्टिव करना पड़ेगा, इसीलिए तुम अभी ग्राउंड के 10 चक्कर काटोगे और अगर रुके तो और 10 चक्कर। सर मैंने भी देखा, ये अंकुश ने नहीं रंगा ने किया है। क्या तुम्हें भी धूप में दौड़ने का शौक है? अंकुश ये गलत है, तुम मत दौड़ो। नहीं बजरंगी, टीचर ने कहा है तो मुझे करना ही होगा। वो है तो आखिर टीचर, वैसे भी वो हमें देख रहे हैं। ये टीचर लगते ही नहीं। लेकिन सोचो, वो बार बार रंगा की मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये चुप चुप कर स्कूल के पीछे क्यों जा रहे हैं? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? अरे नहीं, काम सही हो रहा है। जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही उस अंकुश को अच्छा सबक सिखा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद रखना, उसे उसकी नानी याद आनी ही चाहिए। क्या मतलब ये सब सोताराम और रंगा ने अंकुश को परेशान करने के लिए किया है? जाओ अभी, क्लास शुरू होने वाली है। तुमने मुझे मारा? मैंने नहीं, आपने मुझे मारा। तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे आपने मुझे मारा।
अच्छा तो ये बात है बजरंगी, अब म्यूजिक क्लास है, वो जरूर मुझे फिर परेशान करने के लिए कुछ करेंगे, तुम तैयार रहना। किसी की मजाल है जो मेरे होते हुए तुम्हें हाथ भी लगाए। ये अंकुश को देना, वो जैसे ही इसे बजाएगा काली पाउडर तुम्हारे मुंह पर गिरेगी और तुम उसे फिर से पनिशमेंट दे देना। लेकिन क्या मेरा मुंह काला होना जरूरी है? रुको, डैडी को फोन लगाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तोता राम जी को फोन मत लगाओ। तुम बच्चों को एक एक करके मैं आज सैक्सोफोन बजाना सिखाऊंगा। अंकुश पहले तुम। बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। अंकुश दोबारा बजाओ और इस बार जोर से। सर रंगा अच्छा बजाता है, उसे कहो ना मुझे सिखाने के लिए। रंगा 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 रंगा। तो बच्चों आज हम रिएक्शन सीखेंगे। अंकुश अब क्या करना है? बजरंगी मेरे पास एक प्लान है, लेकिन क्या तुम तुम्हारे दोस्तों को यहाँ ला सकते हो? कौन से दोस्त? वही येलो फ्रॉग्स। क्यों? मैं इस फेक टीचर को विश्वास दिला दूंगा कि इसने सारे बच्चों को गलत एक्सपेरिमेंट से मेंढक बना दिया, वो डर के मारे खुद ही अपना गुनाह कबूल करेंगे। ठीक है अभी जाकर लेके आता हूँ। सलीम मेरा एक काम करोगे, इस टीचर को बहुत सारे सवाल पूछो। ठीक है टीचर, ये क्लोरोफॉर्म से क्या होता है? वो उससे केमिकल रिएक्शन होता है। उससे क्या होता है? और ये लिटमस टेस्ट क्या होता है? कितने सवाल पूछते हो, मैं बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, देखा, इसे कहते हैं रंग बदलने वाला रिएक्शन। और वो येलो कलर के केमिकल से क्या होता है टीचर? अभी दिखाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? सारे स्टूडेंट्स की जगह मेंढक कहाँ से आ गए? सर ये आपने क्या कर दिया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सर आपने ही तो केमिकल मिक्स करके धमाका किया, मुझे लगता है आपने सारे स्टूडेंट्स को मेंढक बना दिया। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन से कुछ भी हो सकता है, देखो कैसे उछल उछल कर कह रहे हैं हमें वापस इंसान बना दो। आपने क्या कर दिया, ये वापस इंसान बनाओ। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। प्रिंसिपल सर और टीचर्स को बुलाता हूँ, अब वही कुछ कर सकते हैं। सर आप भाग क्यों रहे हो? रुको।
हैप्पी सिंह जी को बुलाओ, बच्चों को मेंढक बना दिया इसने, ये तो कोई मजीशियन लगता है। बच्चों के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो असली टीचर भी नहीं हूँ। वो तो इस रंगा ने और उसके मामा ने मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए कहा। सही कहा, बाहर आ जाओ दोस्तों। I'm sorry प्रिंसिपल सर, मैंने इस रंगा और इस फेक टीचर को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। Oh my gosh!